नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। सो आज हम आ गए हैं एक प्रीमियम हैचबैक के साथ जो है टोयोटा की ग्लेंजा। एंड अगर इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो ये आपको एस वेरिएंट दे रखा है। आज हम इस वेरिएंट का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताने जा रहे हैं क्यों ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, बूट स्पेस कैसा है, इंजन स्पेक्स कैसे हैं और क्या क्या कॉस्मेटिक चीजें मिलने वाली है। तो अगर आप अपने लिए कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं जिसका बजट 7 से 8 लाख है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो चैनल पे बने रहिए एंड वीडियो को अंत तक देखना। बात करें इस गाड़ी की एक्सशोरूम से जो कि 6,86,000 से 10 लाख के बीच आपको मिलने वाला है एंड ऑन रोड प्राइसेस आपके सिटी स्टेट के हिसाब से डिफर करेंगी। अब बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट एस वेरिएंट की तो इसका जो एक्सशोरूम है वो 7,75,000 दे रखा है पेट्रोल का। बात करें इसकी सेफ्टी फीचर्स की तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स, ABS, CVT, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट सारी चीजें दे रखी है एंड हिल होल्ड कंट्रोल भी दे रखा है। अब इसके इंजन स्पेक्स की बात करें तो 1.2 लीटर का इंजन दे रखा है जिसकी जो पावर है वो है 89 bhp एंड 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। अब मैं आपको इसका इंजन हुड ओपन करके दिखाता हूं। गाड़ी का इंजन कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। ये पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, कुछ इस प्रकार से सारी चीजें दे रखी है एंड आपको इंसुलेशन पार्ट भी दे रखा है। तो ये तो रही बात इसके इंजन एक्स शोरूम एंड सेफ्टी फीचर्स की, अब हम इसके हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का फ्रंट से आप लोग देखिए एंड बताना आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद हेडलाइट सेटअप की बात करें तो आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। इसके अलावा यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दे रखा है एंड आपको पार्किंग लाइट भी यहाँ पे दे रखी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश तो मिल ही रही है और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं दे रखा, लेकिन अगर आप डीलरशिप से लगवाना चाहें तो वो आपको लगा के दे देंगे। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रोम फिनिश मिलने वाला है, टोयोटा का लोगो यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा आप देखेंगे सेम सेटअप इधर मिलने वाला है एंड यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको कार्बन फाइबर दे रखा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 वाइपर्स एंड 2 वॉशर्स दे रखे हैं। तो ये तो रही इसके फ्रंट की बात, अब हम चलते हैं साइड में एंड डिस्कस करते हैं बाकी सारी चीजें। गाड़ी में साइड पे आ गए हैं तो आप साइड का लुक देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन टायर प्रोफाइल की बात करें तो 185/65 टायर प्रोफाइल दे रखा है एंड 15 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलने वाले हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जो इसकी फ्रंट की ब्रेकिंग है दोनों टायरों की वो डिस्क ब्रेकिंग होने वाली है एंड रियर की ड्रम ब्रेकिंग मिलने वाली है। देन थोड़ा पीछे आएंगे तो बॉडी कलर ORVM मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर एंड थोड़ा सा पीछे आएंगे तो बॉडी कलर डोर हैंडल मिलेंगे। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। देन पीछे आएंगे तो इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको पेट्रोल में मिलने वाला है। गाड़ी का रियर लुक आप देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन बात करें इसकी लाइटों की तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कितनी अच्छी है या आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो। देन ऊपर यहाँ बात करेंगे तो आपको डिफॉगर दे रखा है, हाई माउंट स्टॉप लाइट दे रखी है एंड यहाँ पे आपको एंटीना मिलने वाला है बेसिक सा। उसके अलावा नीचे देखेंगे तो ग्लेंजा की बैजिंग मिलने वाली है एंड टोयोटा का लोगो दे रखा है। एस वेरिएंट है तो उसकी आपको बैजिंग मिलने वाली है। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं एंड इस गाड़ी में आपको कोई रिवर्स कैमरा नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप लगवाना चाहें तो वो भी आप लगवा सकते हैं। तो ये तो रही बात रेयर की, अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 318 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है, इसकी डेप्थ काफी अच्छी है। स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको इसके नीचे स्पेयर व्हील दे रखा है एंड सीटों की बात करें तो 60-40 स्प्लिट में सीटें मिलने वाली है। अगर आपका सामान ज्यादा है, लोग कम है, तो आप सीटें डाउन कर सकते हैं एंड सामान रख सकते हैं। तो ये तो रही बात इसके रियर की एंड बूट स्पेस की, अब चलते हैं रियर सीट पे एंड बताते हैं फीचर्स एंड कंफर्ट क्या क्या अवेलेबल है। गाड़ी के इन एंड आउट की बात करें तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हाइट कैसी भी हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रेयर सीट पे बैठने के बाद हम 3 पॉइंट्स पे हमेशा बात करते हैं। पहला अंडर थाई सपोर्ट जो डिसेंट है, लेग रूम डिसेंट है एंड हेड रूम की माने तो वो काफी बेहतर दे रखा है। अब डोर पे यहाँ देखेंगे तो आपको फैब्रिक टच मिलने वाला है,
एंड पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे डोर ओपन करने का, यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड यहाँ स्पीकर का सेट दे रखा है। सीटों की बात करें तो ये आपको फैब्रिक सीटें मिलने वाली है एंड आप यहाँ देखेंगे आपको तीन हेडरेस्ट मिलने वाले हैं जो कि काफी अच्छी चीज है एंड आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे देखेंगे तो आपको मोबाइल रखने की स्पेस मिलने वाली है एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है। थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट मिलने वाली है, ग्रैब हैंडल मिलने वाला है। तो ये तो रहा रेयर का सेटिंग कम्फर्ट एंड क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। अब चलते हैं फ्रंट में एंड बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। फ्रंट में एंट्री करने से पहले मैं आपको इसकी कीज दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। यहाँ टोयोटा का आपको लोगो मिलने वाला है, लॉक अनलॉक का दे रखा है एंड डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फैब्रिक टच मिलने वाला है, पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, ORVM सेट कर सकते हैं डोर ओपन करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर है, स्पीकर सेट है एंड कुछ स्पेस दे रखी है। इसके अलावा इसकी सीटों की बात करें तो ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलने वाली है एंड फैब्रिक सीट है। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो कुछ स्पेस मिलेगी, आप कॉइन्स या कुछ रखना चाहें, मोबाइल भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट का बोनट ओपन करने का आपको दे रखा है, फ्यूल टैंक ओपन करने का दे रखा है, ऊपर देखेंगे तो ट्रैक्शन ऑफ का दे रखा है, ऑटो कट का दे रखा है एंड हेडलाइट को एडजस्ट करने का दे रखा है। तो ये तो रही सारी चीजें आपको क्या क्या मिलने वाली है एंट्री पॉइंट पे। अब चलते हैं सीट पे एंड बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। स्टीयरिंग व्हील से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको डिसेंट सा स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, लेकिन ये लेदर रैप नहीं है, टोयोटा की आपको लोगो दे रखा है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वॉल्यूम कम ज्यादा करने का, मोड्स का एंड म्यूट का। यहाँ पे आपको कॉल कनेक्ट, डिसकनेक्ट एंड वॉइस कमांड का दे रखा है। अगर इसकी हाइट एडजस्ट की बात करें तो केवल टिल्ट में दे रखी है, टेलीस्कोपिक में नहीं दे रखी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल मिलने वाले हैं एंड टर्न इंडिकेटर्स के। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये आपको मेजरली एनालॉग दे रखा है एंड बीच में आपको MID मिलने वाली है। तो लेफ्ट में आप देखेंगे आपको RPM का मिलने वाला है, राइट तरफ आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है, बीच में आप देखेंगे जो MID है उसमें आपको जो इसका पर्टिकुलर बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर है वो मिलने वाला है एंड आपका पेट्रोल कितना है मतलब एम्प्टी फ्यूल का वो मिलने वाला है एंड बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो दो नॉब्स आपको ब्लैक मिलेंगी दोनों तरफ, अगर इसको प्रेस करूंगा तो ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड आपका ओडोमीटर ये आप देख पाएंगे। इसके बाद अगर ये वाले ब्रेक को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं तो आपका एवरेज दिखेगा, आपकी रेंज दिखेगी, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कुछ बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो 7 इंचेस का ये म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, सारी USB सारी चीजें मिलने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, विद 4 स्पीकर सेट एंड आपको साउंड भी काफी डिसेंट मिलने वाली है। एंड अगर आप यहाँ पे टच में प्रेस नहीं करना चाहे तो यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं म्यूजिक, या सेटिंग्स में डायरेक्टली जाना चाहे तो इस तरीके से जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से लेआउट आएगा बंद होने के बाद। देन थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको हैजार्ड यहाँ मिलने वाला है एंड अगर इसके AC की बात करें तो इस वेरिएंट से आपको ऑटो AC मिलने लग जाता है। जैसा आप देख सकते हैं ये विंड ब्लास्ट आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे AC और हीटर का सेट कर सकते हैं, इनसाइड एयर AC ऑफ कर सकते हैं, ऑटो AC का दे रखा है, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर विद AC के वेंट फेस में या लेग्स में कैसे करना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग ऑप्शंस मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं, आपको चार्जिंग सॉकेट मिलने वाला है, यहाँ पे आपको USB का मिलने वाला है, ये स्पेस आपको दे रखी है, दो कप होल्डर्स दे रखे हैं। अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दे रखा है, हैंड ब्रेक यहाँ मिलने वाला है एंड यहाँ पे कुछ स्पेस मिलने वाली है। इसमें आर्मरेस्ट नहीं दे रखा लेकिन आप लगवाना चाहे तो वो लगवा सकते हैं। देन सीटों का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फैब्रिक सीटें दे रखी है एंड सेटिंग कंफर्ट डिसेंट सा है। अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको इसकी डेप्थ काफी अच्छी मिलने वाली है एंड आप इसके इंटीरियर का लेआउट देखिए डैशबोर्ड का एंड बताना कमेंट सेक्शन में ये आपको कैसा लगा। ORVM की बात करें तो आपको ये मैनुअली एडजस्ट यहाँ से करना पड़ेगा, आपको डिसेंट सी दो लाइट दे रखी है एंड यहाँ पे माइक का ऑप्शन दे रखा है। अगर को ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलने वाला है एंड ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा। तो आई थिंक हमने इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीजों को कवर कर लिया है इस गाड़ी के रिव्यू में एंड आप कमेंट सेक्शन में बताना ये रिव्यू अभी तक आपको कैसा लगा। सो अब हम चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में एंड डिस्कस करते हैं आपसे इस गाड़ी का वर्डिक्ट। गाइस ये तो हमने गाड़ी के बारे में हम पूरी सारी बातें करी, अब डिस्कस करते हैं इसका वर्डिक्ट। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक सोनक टोयोटा जयपुर फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो आप सोनक टोयोटा जयपुर विजिट करिए एंड अपनी नीड एंड फीचर लिस्ट के अकॉर्डिंग उस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए एंड आप उसके बाद उसको बाय भी कर सकते हैं। सारी यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के USP पॉइंट्स की। पहला, ये टोयोटा की गाड़ी है तो आपको
इसका बाइंग एक्सपीरियंस एंड आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि टोयोटा एक ग्लोबल ब्रांड है। सेकंड पॉइंट, इसमें आपको सेटिंग कंफर्ट काफी अच्छा मिलने वाला है एंड बेसिक सारे फीचर्स मिलने वाले हैं कॉस्मेटिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया। अब बात करें इसके एक्चुअल प्राइस की, जो कि 7,75,000 दे रखा है, मतलब ऑन रोड प्राइसेस आपके सिटी स्टेट के हिसाब से डिफर करेंगे, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में आपको सब कुछ दे रखा है, तो ये एक आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है जो कि एस वेरिएंट है। अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो अपने नियर बाय टोयोटा शोरूम जाइए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए एंड कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। मोटर सोल आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप जब भी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं सबसे पहले एक बजट बनाइए, एक फीचर लिस्ट बनाइए एंड उस अकॉर्डिंग उस मैन्युफैक्चरर के शोरूम में जाइए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए, बिकॉज गाड़ी के टेस्ट ड्राइव करने से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी यूजफुल है एंड उसके बाद ही आप उस गाड़ी को परचेज करिए, क्योंकि उसके परचेज करने के बाद आपको ये लगेगा कि जो मैंने गाड़ी ली है वो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था एंड आप हमेशा उसमें खुश रहेंगे एंड वो आपको मेंटली एंड इकोनॉमिकली हमेशा सेटिस्फाई करने वाला है। तो आई थिंक इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे नए वीडियो में, नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन बाय।